एस ऑफ स्पेड्स, अगर हम इस एस ऑफ स्पेड्स को नीचे रखें और एक वेव करें, ये आ जाएगा टॉप पे। अगर फिर इस एस ऑफ स्पेड्स को अगर हम नीचे रखें और स्नैप करें, ये आ जाएगा टॉप पे। फिर इसे इसको नीचे रखें और स्नैप करें, ये अगेन आ जाएगा टॉप पे। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तीनों सेम कार्ड है, एस ऑफ स्पेड्स 1 2 3। तो एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर हम एक एस को लें और रब करें तो पहला एस कन्वर्ट हो जाएगा जोकर में, दूसरा एस दूसरा जोकर, तीसरा तीसरा जोकर। इसका ट्रिक को करने के लिए आपको दो चीज़ आनी चाहिए, एक चीज़ डबल लिफ्ट और दूसरी पिंकी ब्रेक। डबल लिफ्ट का मतलब होता है कि आपको दो कार्ड को एक कार्ड दिखाना है, जैसे कि ये दो कार्ड है तो हम इसे इस दो कार्ड को एक कार्ड दिखाएंगे, इसे कहते हैं डबल लिफ्ट। और पिंकी ब्रेक, पिंकी ब्रेक मतलब आपको ये पिंकी फिंगर से फोर छोटी वाली फिंगर से एक ब्रेक लेना है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं पिंकी ब्रेक। ये आगे से बिल्कुल नॉर्मल लगेगा लेकिन आपको कार्ड को पुश करना है और पीछे करना है और आगे ये सब यहाँ पे फ्लश रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन यहाँ पीछे पिंकी फिंगर का एक छोटा सा ब्रेक रहेगा। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सबसे पहले दो सेम कार्ड होने चाहिए और एक डिफरेंट। तो दो जोकर है और यहाँ पे एक जो डिफरेंट कार्ड है वो एस ऑफ स्पेड्स है। तो आपको इसी तरह से आपको कार्ड को अरेंज करना है, जो डिफरेंट कार्ड है वो सेंटर में रहेगा, बाकी सेम कार्ड दोनों ऊपर नीचे। तो अभी आपको ये शो करना है कि ये तीनों कार्ड एक ही कार्ड है, यानी कि ये तीनों कार्ड एस ऑफ स्पेड्स है। तो ये शो करने के लिए आपको ऐसे फॉलो करना है, सबसे पहले अभी एस ऑफ स्पेड्स बीच में है तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर अप कर देंगे और यहां से आपको ट्रिक स्टार्ट करनी है। यहां पे आपको सबसे पहले करना है डबल लिफ्ट। डबल लिफ्ट करने के लिए आप ये जो कॉर्नर है थंब, ये ऊपर से दो कार्ड पुश करेगा, ये बिल्कुल एक कार्ड लगना चाहिए, आप पुश करेंगे बिल्कुल एक कार्ड लगना चाहिए और आप इसे टर्न ओवर, यहाँ ये पकड़ के टर्न ओवर कर देंगे और ये दिखेगा पहला एस ऑफ स्पेड्स। और हम इसे टर्न ओवर करके और फिर जो टॉप कार्ड होगा उसे नीचे रख देंगे। अगेन हम दिखाएंगे एस ऑफ स्पेड्स और जब आप ये एस ऑफ स्पेड्स दिखा रहे हैं उसी टाइम आपको यहाँ पे एक पिंकी ब्रेक ले लेना है। वो कैसे करना है, आपको आगे कार्ड पुश करके पीछे ले लेना है। लोगों का ध्यान इस कार्ड पे होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पिंकी ब्रेक लेना है और इस कार्ड को दिखाने के बाद इसके ऊपर रख देना है और फिर उस ब्रेक से आपको वो दोनों कार्ड उठाना है और नीचे रख देना है। ये आपको ऐसे करना है जैसे कि आप ये सिंगल कार्ड हो और फिर नीचे रख देना है। अगेन हम लोगों को डबल लिफ्ट करना है ऐसे और टर्न ओवर और यहाँ पे एस, फिर हम इसे ऐसे टर्न ओवर करेंगे और नीचे रखेंगे और ये एस टॉप पे। तो अभी आपको ऑडियंस को ये प्रूफ करना है कि ये तीनों कार्ड सेम है और आपको ये बोलना है कि अभी आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये तीनों एस ऑफ स्पेड्स ही है, लेकिन आप अब वो आपको प्रूफ करने के लिए ये तीनों कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आप ये दिखा के ये बोलते वक्त आपको इसको नीचे रखना है और ये मूव करनी है, आपको सबसे बॉटम कार्ड दिखाना है और फिर जब आप टर्न ओवर करेंगे तो आप टॉप कार्ड ले लेंगे। ये अगर आप स्पीड में करेंगे तो ऐसा लग रहा है आप जो कार्ड दिखा रहे हैं वही ले रहे हैं, जैसे कि तो अभी इसको करने के लिए आपको जो एस ऑफ स्पेड्स था वो नीचे था और हमें ऐसे एस दिखाया और टॉप कार्ड ले लिया, एस दिखाया टॉप कार्ड ले लिया, एस दिखाया टॉप कार्ड ले लिया, तो टॉप कार्ड रख दिया। और अभी ये अगर आप रेगुलर स्पीड पे करेंगे तो ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कि ये ऐसा लगेगा कि ये तीनों एक ही कार्ड है। फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कैसे अब हम तीनों कार्ड को चेंज करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस कार्ड को पहले कार्ड को पीछे पुश करना है और दूसरे कार्ड को आगे, तो कुछ इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, दो कार्ड नीचे और एक कार्ड आगे। तो अभी आपको क्या करना है, अब आप बोलेंगे कि एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होता है यहां से, आप एक कार्ड पीछे पुश करेंगे एक आगे और इसे आप ये दो कार्ड को निकाल के दिखाएं कि एक कार्ड कन्वर्ट हो चुका है जोकर में। और ये दिखाने के लिए आपको पहले रब करके ऐसे दिखाएंगे कि ये कन्वर्ट हो गया है जोकर में। रब करना एक मैजिकल इफेक्ट देगा,
और आपको दिखाना है ये पहला जोकर और इस जोकर, इसको इन दोनों कार्ड को यहाँ पे रख देना है और फिर ये जो एक्चुअल में एस ऑफ स्पेड्स था उसे आपको नीचे रख देना है। और अब बचा आपके पास दो जोकर, अब आपको बीच वाला नहीं नीचे वाला उठा के दिखाना है कि दूसरा कार्ड दूसरे जोकर में कन्वर्ट हो चुका है और तीसरा कार्ड तीसरे जोकर में।